लो जी, आ गई आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आज हो चुकी है 23 मार्च 2024 और मोदी सरकार लगातार, जी हाँ लगातार कर रही है बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान। जी हाँ, होली आ चुकी है, आप सभी जानते हैं रंगों का त्यौहार होली, और होली के इस पावन त्यौहार पर मोदी सरकार आपको देने वाली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 10 बड़ी खुशखबरी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हो चुकी है 23 मार्च, देश भर में 5 नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं जो कि गरीब परिवारों पर लागू होंगे। वही आपको मैं बताऊंगा, गरीब परिवार अमीरी की तरफ लेके जाएगी उनको, ये जो 5 बड़ी योजनाएं हैं। वहीं केजरीवाल को अब रिमांड पर भेज दिया गया है, केजरीवाल की होली अब जेल में ही मनेगी। वही बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। अगर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपके घर में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जो कि बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, या फिर बोर्ड की परीक्षा देकर के घर पर बैठे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है भाई। ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे। उससे पहले आप अपने गाँव, शहर, राज्य का नाम कमेंट करें, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। लगातार मैं आपको प्रत्येक दिन, जी हाँ, जितनी भी बड़ी खबरें होती है सुबह सुबह जानकारी देता रहता हूँ। तो YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे, देश भर में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं होली के इस पावन त्यौहार पर। आपको मैं बता दूं, रंगों का त्यौहार है होली, और होली के इस त्यौहार पर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जी हाँ, जो कि बिल्कुल ही गरीब है, जी हाँ, जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। आज हो चुके 23 मार्च, आपको बता दूँ आज से, और भाई कल से, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर उनको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की जो राशि है उनके बैंक अकाउंटों तक मोदी सरकार जारी करने वाली है, जो कि बिल्कुल ही गरीब से, यानी कि 1 लाख पारिवारिक इनकम वाले परिवारों को 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये की जो राशि है वो जारी करेगी, जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। और ई श्रम कार्ड जो है वो आपका आधार कार्ड से लिंक है, आप सभी जानते हैं। आधार कार्ड अगर आपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा रखा है तो भाई आपका ये जो पैसा है ये आपके बैंक तक पहुँचा दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आपको मैं बता दूँ, लगातार मोदी सरकार गरीबों के हक में पहले ही आदेश जारी कर चुकी थी। फिलहाल की बात करें तो आचार संहिता देश भर में लगी हुई है। लोकसभा की जो चुनाव है वो अगले महीने में शुरू होकर के मई अंत तक चलेंगे। वहीं 4 जून को रिजल्ट्स भी घोषित हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। उससे पहले ही मोदी सरकार गरीब परिवारों को अमीरी की तरफ ले जाने वाली जो योजनाएं हैं उनको लेके आई है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, 23 मार्च, जी हाँ, आज ही आपको एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, जिन परिवारों को अभी तक भी एक भी मकान नहीं मिला था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनको आज से 100-100 गज के प्लॉट काटे जा रही है। जी हाँ, लगातार मोदी सरकार ने अपडेट किया है कि 100-100 गज के जो प्लॉट है वो उनको दिए जा रहे हैं। और ये जो 100-100 गज के जो प्लॉट है ये सबसे पहले गाँव में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भाई जिन गाँव में अभी तक भी लोगों को किसी प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि थी या फिर कोई लाभ था वो नहीं मिला था, उन गांव में अब 100-100 गज के जो प्लॉट है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, 31 मार्च तक ये जो प्लॉट है इसकी प्रक्रिया है, इसको काटने की जो प्रक्रिया है, 100-100 गज की जो प्लॉट है वो काटने की जो प्रक्रिया है, इसको अमल में लाया जाएगा। पहले चरण में उन परिवारों के प्लॉट काटे जा रहे हैं जिन परिवारों के पास कभी भी किसी भी प्रकार से योजनाओं का लाभ उन परिवार को नहीं मिल पाया था, यानी कि भाई ना तो वो मकान योजना के साथ जुड़ पाए थे, ना ही मकान मरम्मत की योजना के साथ जुड़ पाए थे, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाया था। ऐसे परिवारों को सबसे पहले मोदी सरकार ये जो लाभ है ये दे रही है। वही मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा था, और बहुत से ऐसे परिवार जो आवेदन बिना करे ही उनको इसका लाभ मिलेगा, यानी कि सरपंचों की सलाह पर भी आपको प्लॉट जो है वो मोदी सरकार मुहैया करवाएगी। अगर आपके सरपंच, आपके गांव, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके सरपंच अगर कहते हैं कि ये गरीब है तो उनको भी प्लॉट मोदी सरकार दे देगी। हम अगली बड़ी खबर की बात करें, जी हाँ, मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब खुशी से उछल पड़ेंगे भाई। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, होली का तोहफा उनको दे दिया गया है। बहुत से ऐसे बोर्ड हैं जिनके होली के दिन ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे भाई। वहीं मैं आपको बता दूँ, मोदी सरकार ने सभी बोर्डों को निर्देश जारी कर रखे कि सभी के जो रिजल्ट है वो अप्रैल के माह या फिर मई के 15 तक ही जारी कर दिए जाएँ। यानी कि भाई लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी जो रिजल्ट आने वाला है लोकसभा के चुनाव का, उससे पहले ही सभी बोर्डों के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएं। वहीं मैं आपको बता दूं, कॉपी चेकिंग को लेकर भी लगातार अपडेट आ रही थी कि कॉपी चेकिंग में लगातार ऐसे विद्यार्थी है जो कि पैसे रख के आए हैं, ऐसे विद्यार्थी की इस बार खैर नहीं है भाई। ऐसे विद्यार्थियों को
साफ निर्देश जारी कर रखे हैं भाई टीचरों को कि उन ऐसे विद्यार्थियों को जीरो अंक देख करके दंडित किया जाए, यानी कि जो पैसे रख के आए हैं या फिर कुछ स्लोगन लिख के आए हैं कि हमें पास किया जाए, ऐसे विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाएगा। और भाई ऐसे विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा जो विद्यार्थी चाहे गलत जरूर लिख के आया हो लेकिन सही जो राइटिंग है वो बिल्कुल ही साफ साफ सुथरी सुथरी लिख के आया हो, यानी कि लिखाई जो है उनकी अगर अति सुंदर है तो उसको और अंक देख करके प्रमोट करने की बात कही गई है। वही हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की आ रही है कि केजरीवाल को लेकर बड़ी अपडेट है भाई। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी की स्पेशल जेल में अब केजरीवाल रहेंगे और 28 मार्च तक ईडी अब पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब रिमांड पर रखा जाएगा। आपको मैं बता दूं, शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। पहले ही आम आदमी के वरिष्ठ जो नेता है जिसमें मनीष सिसोदिया भी पहले ही जेल में बंद है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आज एक और बड़ा ऐलान किया है भाई। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, जितनी भी महिलाएं जो भी महिला अपने घर में रहती हैं, अपना घर में ही कामकाज करती है, यानी कि हम कुल मिलाकर कह रहे कि गृहिणी जो है जो घर में ही रहती है, घर के ही कामकाज करती है, कहीं जाती नहीं है, कुछ कमाती नहीं है, ऐसी महिलाओं को भी मोदी सरकार अब कुछ उसका आय का साधन बढ़ाने के लिए कुछ लोन दे रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, ये लोन के लिए लगातार मोदी सरकार ऐलान करती आई है कि लोन के लिए अप्लाई वे सभी महिलाएँ कर सकती है जो कि घर में रहती है और तकरीबन 2 लाख रुपये इनकम तक जिनकी सालाना है, ऐसी महिलाएं अपना लोन के लिए आवेदन कर सकती है। 1-1 लाख रुपए के तक जो लोन है वो उनको दिया जाता है और जिसमें 70,000 रुपए उनसे भरवाए जाते हैं। तकरीबन हम बात करें तो भाई 30,000 रुपए तक की इसमें सब्सिडी भी रहती है, यानी कि भारी और मोटी सब्सिडी आपको दी जाती है यहाँ पे लोन पर। अगर आप महिला हैं या फिर आपके घर में कोई महिला है उसको इस प्रकार का लोन अगर आप दिलवाना चाहते हैं तो आप दिलवा सकते हैं और ये तकरीबन 31 मार्च तक आप दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम था, ये जो लोन का जो पोर्टल था ये पहले से ही ओपन था। फिलहाल इसकी जो तिथि है वो 31 मार्च है, 31 मार्च तक आप अपना कुछ अपनी जो घर की गृहिणी है उसका व्यवसाय खुलवा सकते हैं ताकि वो भी अपना कुछ आय का साधन बढ़ा सकें। वहीं मैं आपको बता दूं, लगातार मोदी सरकार और भी काफ़ी सारी ऐसी बदलाव कर रही हैं जो कि पहले से ही निश्चित है भाई। आपको मैं बता दूं, पहले से ही निश्चित है, अभी कुछ बदलाव ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि भाई आचार संहिता लगी हुई है, पहले से ही चले आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में गरीबों को पता ही नहीं चलता है कब स्कीमें आ जाती है, कब स्कीमें चली जाती हैं। मैं आपको और भी काफ़ी सारी स्कीमें के बारे में बताता रहूँगा। यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। छोटी बड़ी सभी खबरें आपको मैं समय से पहले ही देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।